तो हमेशा की तरह एक बार फिर हाजिर है हम टैक्स प्लानिंग के साथ आज का टैक्स प्लानिंग बहुत मायनों में अहम होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके घर के अंदर की कि अगर पत्नी कमाती है तो क्या पति को देना पड़ सकता है टैक्स और अगर पति कमाता है तो क्या पत्नी को देना पड़ सकता है टैक्स किन हालातों में अगर बच्चा अठारह साल से छोटा है और उसकी इनकम हो गई है ज्यादा तो फिर कौन देगा उसका टैक्स इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है रजनीश शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रजनीश शुक्ला जी बिल्कुल बिल्कुल सर रजनीश शुक्ला जी जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट है इसके साथ ही देखिए रजनीश जी आज का जो टॉपिक है आज इस पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है क्योंकि कई लोगों के सवाल ही रहते हैं क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं पत्नी ज्यादा कमा रही है टैक्स फिर भी पति दे रहा है पति कमा रहा है टैक्स कभी कभी पत्नी को देना पड़ जाता है बच्चा अठारह साल से छोटा है लेकिन इनकम हो गई है ज्यादा तो ऐसे में क्योंकि वो टैक्सेबल भी नहीं होता है तो ऐसे हालातों में फिर कौन देगा भला टैक्स तो इन तमाम कठिन से कठिन सवालों के आसान भाषा में टैक्स प्लानिंग आपको देगा जवाब तो शुरू करते हैं सर आमदनी को एक साथ जोड़ देने का मतलब इसका मतलब होता है क्लबिंग ऑफ इनकम तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है इसके मायने क्या है पूरा ब्रीफ में अगर आप उन्हें समझाएं सर कावेन्द्र जी आ... आप जो क्लबिंग ऑफ इनकम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है जिसके तहत आपको फैसिलिटेट करती है इनकम टैक्स कि कुछ अंडर सम स्पेशल कंडीशंस फैमिली की बात करो यहाँ पे इंडिविजुअल की बात वो करते हैं तो इंडिविजुअल की इनकम को किसी दूसरे पर्सन की इनकम के साथ जोड़ दिया जाए इसको आप बेसिकली क्लबिंग कहते हो और वहाँ पर टैक्स पेमेंट की जिम्मेदारी उसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं जो बेसिकली जिसके इनकम में दूसरे पर्सन की इनकम को जोड़ा जाता है तो ये बेसिकली क्लबिंग जो है स्टेचुट्री रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट इसको इनकम टैक्स एक्ट एक्ट के थ्रू कवर्ड है और जिसकी भी इनकम जिसमें ऐड होती है वो पर्सन ही उस पर टैक्स पेमेंट करता है और सारी स्टैचुट्री लाइबिलिटी जो आती है वो भी उसके ऊपर आती है प्लीज़ काविंद्र जी जी बिल्कुल देखिए क्लबिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक डिस्कसिंग टॉपिक है इस पर बात होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं तो फिलहाल अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो बहुत आम सा सवाल है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं लोग जानना चाहते हैं कि जब हम आमदनी को जोड़ रहे हैं तो ये जो क्लबिंग, क्लबिंग के जो प्रोविजन हैं ये रजनीश जी अप्लाई होते हैं वहाँ पर जब ट्रांसफर ऑफ इनकम तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं हो रहा है अप्लाई होंगे कावेंद्र जी जो इंटेंट रही एज इंडिविजुअल हम लोगों की आ, इसको क्लबिंग ऑफ इनकम आप कह सकते हैं उसको टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत यूज़ किया गया अब क्लेवरली uh, हम करते क्या है अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अपनी वाइफ़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपनी फैमिली के कि किसी मेम्बर को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम उस पर टैक्स बेनिफिट निकाल सकें तो ये प्लानिंग का पार्ट बहुत रहा है लोगों ने इसको प्लान किया है इसी को कर्व करने के पर्पज़ से आपका प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में लायक है आपने जैसे इनकम की बात अभी करी इनकम में होता क्या है अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई इनकम हो रही है लेट हम रिज्यूम करें मेरे पास कोई एसेट है और उस एसेट से हमें इनकम हो रही है हमने क्या किया हमने प्लानिंग करी हमने उस एसेट को रेंट पे उठाया लेकिन जो रेंट एग्रीमेंट हमने बनवाया टेनेंट से वो अपनी वाइफ के थ्रू बनवाया यानी जो उसमें पेमेंट आने वाली वो वाइफ के पास जाएगी हमने क्या प्लान किया उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड जो इनकम है वाइफ के पास शिफ्ट हो गई ताकि उस पर जो टैक्स है वो कल को वाइफ पे करे इनकम टैक्स ने इसको पकड़ा सेक्शन 60 से 65 अभी मैंने बोला था आपको अब इसमें से सेक्शन 60 आ गया पिक्चर में उसने कहा अगर ऐसी कोई भी आप एसेट किसी को ट्रांसफ़र करते हो खैर एसेट तो नहीं यहाँ ट्रांसफ़र है इनकम ट्रांसफ़र हो गई दूसरा भी तरीका इसमें हो सकता था कि आपने वाइफ के नाम पे एसेट ही ट्रांसफ़र कर दिया उस केस में भी अगर आपने ऐसे ट्रांसफर किया विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन या इन्होंने आगे कुछ कंडीशन दी अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो उस एसेट से जो भी होने वाली इनकम है या जो इनकम हमने प्लान आउट करके शिफ्ट कर दिया था वाइफ की तरफ उस इनकम पे टैक्स पेमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी प्लीज कावेंद्र जी बिल्कुल देखिए ट्रांसफर की बात समझ में आती है एसेट का ट्रांसफर हुआ है इनकम का ट्रांसफर हुआ है मनी का ट्रांसफर हुआ है ट्रांसफर की बात समझ में आती है लेकिन कई दफा क्या होता है नाराज जी जी कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र भी होते हैं जहाँ पर कंडीशंस लग जाती है मैंने अगर अपने साथ के दोस्त को मैंने कोई प्रॉपर्टी दी विदाउट एनी कंडीशन दी वो अलग मसला है लेकिन अगर मैंने अपने एक फ्रेंड को प्रॉपर्टी दी और वहाँ पर मैंने ये कंडीशंस लगा दी कि अगर ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा ऐसे जो मामले हैं क्योंकि बहुत पेचीदा मामले ऐसे मामलों में क्लबिंग का प्रोविज़न है एग्जिस्ट करता है आई मीन सर क्लबिंग सी uh, जो इंटेंट है इस पर वो बड़ी क्लियर है कि हमने अपनी इनकम को किसी विशेष तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे पर्सन के पास ताकि हम टैक्स की अपनी जिम्मेदारी को कम कर सकें उसमें हमने इनकम प्लान करी हो या हमने कोई एसेट ट्रांसफ़र करा हो जिस एसेट की वजह से कल को कोई इनकम आने वाली है तो हमने उस इनकम को इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया रिवोकेबल की जब आप बात करते हैं तो इसमें ये सेक्शंस हैं इसमें जो बात करते हैं रिवोकेबल और इ की रिवोकेबल ट्रांसफ़र आपका ऐसा ट्रांसफ़र होता है जिसमें हमने एसेट किसी को ट्रांसफ़र किया ऐसे ट्रांसफर करने के पीछे हमारा इंटेंट था कि उस ट्रांसफ़र के बाद हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जनरली देखो ये ट्रांसफर्स होते हैं घर में होते हैं या घर में हमने अपने किसी इंडिविजुअल को अपने यहाँ डाउन द लाइन बेनिफिट पास ऑन करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप ये ट्रांसफर करते हो एसेट को विद दिस कंडीशन कि अगर ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट आपका एसेट वापस मेरे पास आ जाएगा सो नाउ दिस इज रिवोकेबल ट्रांसफ़र रिवोकेबल ट्रांसफ़र के केस में उस एसेट से होने वाली जो भी इनकम होगी वो हमारे पास ही एसेस होगी दूसरा उसमें वर्ड ले लो अगर हम अपोजिट बात करें इर की बात करें तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कुछ कंडीशन है आपने कोई ट्रस्ट बनाई उस ट्रस्ट से किसी पर्सन को बे फायदा पहुँचने वाला है और लाइफ टाइम पहुँचने वाला है यानी हमने कहा जिस पर्सन की बेनिफिट के लिए हमने एसेट ट्रांसफर करा उसकी जब तक लाइफ रहेगी जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो उस एसेट का बेनिफिट उठा सकता है ना दिस इज़ इरिबोकेबल टाइप ऑफ ट्रांसफ़र तो हमने अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र किया है तो उस केस में उस एसेट से होने वाली इनकम पे टैक्सेबिलिटी उस अदर पर्सन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी प्लीज़ क्या वेंद जी जी बिल्कुल देखिए रजनीश जी क्या है ना कि इंडियन सोसाइटी में यहाँ की हम बात करें तो पति जो कमा रहा है अनऑफिशियली पत्नियाँ उसे अपना ही समझती हैं तो वाइफ लोगों के लिए ये चीज़ तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है सर कि वो जो कमाए उसकी इनकम पे भी टैक्स उनका पति दे तो ऐसा भी कुछ होता है कि अगर बीवी कमा रही है तो पति टैक्स दे सकता है उस पर ऐसा कोई प्रोविजन है और हैं तो, तो क्या हैं सर देखिए उसमें दो तीन सवाल आपके जुड़ गए एक साथ पहला हुआ कि आपकी वाइफ ने कुछ कमाया अगर वाइफ ने कमाया उसकी अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है शी हैज़ दैट एक्सपर्टनेस विथ हर ठीक है उसने जो कमाया वो उसकी पार्ट हो जाती है नॉर्मल पैरोल्स में अगर हम बात करें दूसरे पार्ट में हम उसको कहें कि हमारी अपनी कोई कंपनी है वेयर आई एम ए सब्सटेंशियल होल्डर एंड मेरी वाइफ भी उसमें सब्सटेंशियल इक्विटी रखती है या सब्सटेंशियल हम उसमें प्रॉफिट की शेयरिंग रखते हैं उसके बाद हमारी वाइफ को उसी फर्म या उसी कंपनी से सैलरी मिलती है अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ हो गई क्या हमारी वाइफ वो रिक्वजिड स्किल रखती है अगर वो रखती है तो ठीक है वो उसकी सैलरी हो गई अगर वो नहीं रखती है तो जो भी उसको वहाँ से सैलरी मिली है वो हमारे पास क्लब हो जाएगी क्योंकि हमने क्या किया अगेन हमने कहीं ना कहीं अपनी इनकम को शिफ्ट करने की कोशिश कर दी है प्लीज़ क्या जी जी बिल्कुल देखिए सर ऐसा एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है उससे मैं कुछ कमा रहा हूँ अब वो जो कमाई है वो जो इनकम हुई है उस चीज़ से अगर उसको विदाउट इनएडिक्वेट मतलब जो डायरेक्टली अगर हम बात करें तो एडुकेट कोई मेथड ना यूज़ करते हुए इनएडकेटली अगर हम उसको किसी तरीके से बेनिफिट दे देते दे हैं दे अपने स्पाउस को दे देते दे हैं अपने बेटे को दे देते दे हैं तो ऐसे में क्लबिंग के क्या प्रोविजन्स रहेंगे सर कोई भी इनएडकेट कंसिड्रेशन के थ्रू आपने ट्रांसफ़र करा यहाँ पे ये सेक्शंस में इसमें बात करते हैं अपने स्पाउस को किया या अपने बेटे के स्पाउस को भी किया तो अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है देखो केस उन्होंने कुछ एक किस डाले हैं जैसे अगर आपने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र करा कब किया टू लिव ए पार्ट आपकी तलाक हो गई है उस केस में एवज में आपने ट्रांसफ़र किया है ठीक है वाइफ को उस पर देना है आ, बड़ा स्पेशल केस है कि आपका किसी गर्ल के साथ अफेयर है लड़की के साथ अफेयर अभी शादी नहीं उसके पहले ही आपने ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया उसको आप कर दो शी विल बी टैक्सेबल ऑन दैट ध्यान रखना शादी के पहले एसेट नहीं ट्रांसफ़र करना तो ये कुछ अलग केसेस हैं जिनमें येस टैक्सीबिलिटी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है सो इट्स ओनली अ कनेक्टिविटी अगर कहीं से भी कनेक्ट निकल के आ रहा है कि वो मेरा एसेट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है जिससे इनकम जनरेट हो रही है तो टैक्सीबिलिटी वो हमारे पास वापस घूम के आ जाएगी इनकम टैक्स में प्लीज़ काविंद्र जी तो देखिए बहुत दिलचस्प बात बताई आपने कि अगर शादी नहीं हुई है और उससे पहले अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टैक्सीबल हो जाएगी ये जानना बहुत ज़रूरी है कई लोगों को समझ लेना चाहिए सर आप क्लियर रखना गर्लफ्रेंड के हम होगी एंड शी विल टेक अवे अवेर एसेट और उसके बाद उसने शादी नहीं करी था आप एसेट से भी हाथ धो बैठोगे बिल्कुल सावधानी रखना बहुत जरूरी है इसमें ध्यान रखने वाली बात है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर क्योंकि अभी तो आपने बता दिया कि किस तरीके से वो क्लबिंग हो जाएगी किन जगहों पर वो क्लब नहीं होती है मैं अपनी एसेट जो है उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ उससे जो इनकम हो रही है उस इनकम को मैं अपने स्पाउस को दे रहा हूँ बेटे की बहू को दे रहा हूँ बेटे को दे रहा हूँ अपनी वाइफ को दे रहा हूँ या वाइफ जो है वह हस्बेंड को दे रही है लेकिन वहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन्स नहीं लग रहे हैं ऐसा कब होगा संभव अभी हमने बताया आपको जैसे तलाक का केस है सेपरेशन हो रहा है तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगा हमने आपके गर्लफ्रेंड वाला मैटर भी ले लिया शादी के पहले ही आपने ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया जैस वहाँ पर भी आपका क्लबिंग एप्लीकेबल नहीं होगा प्लीज़ जी बिल्कुल देखिए आपने ये चीज़ें बहुत अच्छी बताई कि अगर शादी नहीं हुई गर्लफ्रेंड है आपने प्रॉपर्टी अगर दिया ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर क्लबिंग नहीं होती और अगर तलाक हो गया है तो वहाँ पर भी क्लबिंग नहीं होती है इसके साथ कावेंद्र के इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं जी बिल्कुल <laughs> तो देखिए सर इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैं ये और जानना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं फैमिली की बात कर रहे हैं यहाँ पर वाइफ की बात कर रहे हैं हम लोग हस्बैंड की बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ना एक्सटेंड करते हुए लेकर चलते हैं कि ये क्लबिंग जो है कहाँ तक पहुँचती है तो इसमें अगर बेटे की बहू है या बहू कमा रही है तो उनका ससुर है ससुर फादर इन लॉ तो ऐसे में क्लबिंग के जो प्रोविजन्स हैं ये कहाँ तक लागू किया जा सकता है क्योंकि देखिए फैमिली तो बहुत बड़ी हो सकती है रजु शुक्ला जी यहाँ पे रिलेटिव्स तक पहुँच जाती है तो एक क्लबिंग के जो प्रोविजन है कहाँ तक पहुँचते हैं सर आप रेस्ट्रिक्टिव रखिए इनको वाइफ तक और बेटे की वाइफ तक आ, अगर आप बेटे की वाइफ को भी आप ट्रांसफ़र करते हो तो सिमिलर फुटिंग जैसे आपने वाइफ को ट्रांसफ़र किया था तो इनकम आपके पास ऐड हो गई थी या आपने ऐसे ट्रांसफ़र किया था विदाउट एडुकेट कंसिड्रेशन ये वर्ड आप ज़रूर ध्यान देना विदाउट एडुकेट कंसिड्रेशन अगर हमने वाइफ को ट्रांसफर करा है सिमिलर पैटर्न पे अगर आपने बेटे की वाइफ को भी ट्रांसफ़र करा है तो वो इनकम आपके पास टैक्सेबल हो जाएगी प्लीज़ काविंद्र सिंह सर yes, इसी में आगे चलते हुए एक सवाल वो सवाल ये है कि देखिए टैक्स प्लानिंग करते टाइम क्या होता है लोग बड़ी चालाकी दिखाते हैं लोग उन रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं जहां पर सरकार का पहरा नहीं है तो सरकार का पहरा नहीं है इसी से एक चीज़ निकलकर सामने आती है कि एक बात बताइए सर अगर एसेट ट्रांसफ़र होता है उससे एक इनकम जनरेट होती है लेकिन वो डायरेक्टली मेरे स्पाउस को ना मिलकर ऐसी जगह जा रही है जहाँ से स्पाउस को बेनिफिट हो रहा है ऐसे मामलों में क्लबिंग कैसे संभव हो पाती है सर ऐसे केसेस भी होते हैं जब आप एक एसेट को ट्रांसफर कर देते हो आपने बी आई या ए पी ऐसा बनाया जिसमें आप एसेट को ट्रांसफर कर देते हो कि उस एसेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट हमारी स्पाउस तक पहुंच रहा है तो यहाँ पे भी आपकी क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाती है और जो उससे होने वाली आपकी इनकम है वो आपके हाथों में ही टैक्सेबल हो जाती है प्लीज़ क्या मैंने रशेश जी बताइए हमने कई सालों से ये देखा है कि 18 साल से छोटा बच्चा क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और इससे पहले जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है सिंगिंग टैलेंट खोजे जाते हैं अब जिस तरीके से हम लोग देखते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं लिटिल चैम्प सरीके शोज आते हैं और भी कई जगह है कि टैलेंट शोज़ में एटीन ईयर्स जो एक पैमाना है उससे छोटे बच्चे भी वहाँ पर हमको काम करते हुए दिखते हैं तो ऐसी जगहों पर क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं इनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा होती है तो अब जब ऐसा हमारे टैक्सीबल जो पॉलिसी है उसमें तो ऐसा संभव नहीं है कि 18 साल से जो छोटा बच्चा है उसकी इनकम है तो उसको उसमें टैक्स देना होगा टैक्स तो देना नहीं होगा तो ऐसे में उसकी जो इनकम आ रही है उसकी इनकम पर टैक्स कौन भरेगा और उसकी इनकम पर अधिकार किसका होता है सर अगर आपका कोई बच्चा है और इस तरीके से कोई इनकम उसको आती है तो उसमें इन्होंने कई क्राइटेरियाज़ दिए हैं उसमें एसेस करते हैं कि आपके फादर एंड मदर दोनों में से अगर दोनों ही इनकम जनरेट कर रहे हैं तो दोनों में से इनकम किसकी ज़्यादा है उसके इनकम में उसको क्लब कर दिया जाता है अगर आ, मदर और फादर सेपरेट हो चुके हैं तो जो भी बच्चे को मेंटेन कर रहे हैं उसके पास उसको ऐड कर दिया जाता है इनकम को आ, कल को अगर मान लो फ़ादर या मदर में से ये आपकी होता है कि आप शिफ़्ट करना चाहते हो लेट फॉर एग्जांपल अभी फादर के पास उसको ऐड कर रहे थे कल को मदर के पास शिफ्ट करना चाहते हो तो ये टू गो टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईओ की आपको उसमें परमिशन लेनी होती है ये तो कुछ हो गया क्राइटेरिया कि कब कब जो है कैसे कैसे आप क्लब करेंगे इसमें और उन्होंने राइडर्स लगाए हैं अगर Uh, कोई ऐसा बच्चा है जो सेक्शन ए e यू में कवर होता है ए टी यू डिडक्शन की बात हम करते हैं सीविय डिसेबिलिटी वाले केस में डिसेबिलिटी या सीवियर डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसको यहाँ से आपका इस सेक्शन से बाहर किया है वो प्रोविजन नहीं अप्लाई होता है इसके अलावा अगर केस है तो यस आपका क्लबिंग यहाँ पर हो जाता है अब इनकम कैसे हुई इनकम की अगर आप बात करो तो इनकम मैनुअल वर्क जो इन्होंने वर्ड्स दिए हैं एक्ट में उसमें मैनुअल वर्क को भी इन्होंने कवर किया है स्किल टैलेंट नॉलेज जैसा भी आपने बोला चाइल्ड का टीवी में आजकल काफ़ी प्रोग्राम आते हैं तो यस उसको भी उन्होंने इसमें कवर किया हुआ है तो उससे होने वाली इनकम भी फादर या मदर के केस में एज तब केस में भी ऐड हो जाती है बेनिफिट दिया है थोड़ा सा इन्होंने कि अगर जिसके भी फादर एंड मदर के साथ उसके इनकम को क्लब करते हैं उसको पंद्रह सौ रुपये का उसमें एग्जाम्शन देते हैं फॉर ईच माइनर चाइल्ड अगर ऐसी इनकम होती है तो ये अपने आप में एक बड़ा खास भी है कि आ, ऐसा सेक्शन है जहाँ पे चाइल्ड जो है चाइल्ड इज़ अर्निंग इनकम एंड वी वी आर एडिंग हिज और हर इनकम इन पेरेंट्स इनकम बेसिकली प्लीज़ कावेंद्र जी जी बिल्कुल देखिए इससे पहले भी आप और हम बात कर रहे थे कि एक तरफ तो लेबर लॉज है एक तरफ चाइल्ड लेबर को लेकर सरकार जितनी सजग नजर आती है वहीं जब इनकम टैक्स पे आ जाते हैं तो सरकार ये बड़ा आयरनिकल हो जाता है जी नहीं सर आ, हाँ यहाँ पे आप देखोगे तो इन सेक्शंस में क्लबिंग में उन्होंने माइनर चाइल्ड की चाइल्ड लेबर की भी बात कर दी है साथ में उन्होंने मैरिड डॉटर की भी बात करी माइनर मैरिड डॉटर की ये भी एक ये दो चीज़ें हैं जो आपको बढ़िया थोड़ा हाँ। सा है बट ये एक्ट ऐसे ही मूव करता है सर प्लीज़ ओके ठीक है सर ये बताइए एच का जिक्र कई बार होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक हम लोग अलग से बना लेते हैं उसमें पूरी जो फैमिली है जब ज्वाइंट फैमिलीज में ज़्यादा अधिकतर देखने को मिलता है तो वहाँ पर ऐसे में कोई एसेट ट्रांसफ़र होता है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है मैं यहाँ पर वहाँ पर क्लबिंग का जो प्रावधान है वो अप्लाई होते हैं अगर एक मेंबर जो है उसमें एसेट डाल देता है तो सर जैसा हमने शुरू किया था कि हमने इंडिविजुअल की बात करी थी कि इंडिविजुअल के केस में क्लबिंग आती है अब एक इंडिविजुअल आप एज्यूम करो एच का हिस्सा है ही इज़ पार्ट ऑफ़ एन एच तो अगर उसमें वो एच में अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो वहाँ पर उन्होंने राइडर दिया है कि अगर वो अपनी कोई प्रॉपर्टी एच में ट्रांसफ़र करता है और उस उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो इनकम भी उस पर्सन के हाथ में ही टैक्सेबल होगी जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा है इसमें इन्होंने आगे और ऐड भी कर दिया कि अगर कल को उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है जो एच की प्रॉपर्टी अब हो चुकी है मतलब प्रॉपर्टी एच की है बट टैक्सीबिलिटी इंडिविजुअल के ऊपर आ गई और कल को उसके बंटवारा होने के बाद उस प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसके स्पाउस के पास पहुँच जाता है तो उस पाउस के पास पहुंचे प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम पे भी टैक्सीबिलिटी इंडिविजुअल के ऊपर ही वापस आ जाती है प्लीज का क्या जी बिल्कुल देखिए तो आज का जो टैक्स प्लानिंग था कितना हैम हो सकता है कितने मायनों में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप जो हैं कितनी भी चालाकी करें लेकिन जो सरकार है जो टैक्स पॉलिसी है वो हमारी ऐसी है कि आपको कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेती है तो रजनीश जी देखा आपने किस तरीके से टैक्स पॉलिसी काम करती है पकड़ जाते हैं आप आप किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं आपकी पति है आपका पत्नी है आपके बेटे हैं बेटे की वाइफ है किसी भी तरीके से कोशिश कीजिएगा आप कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे हालांकि प्रोविजंस भी हैं अलग अलग भी हैं कई दफ़ा आप बच भी सकते हैं कई दफ़ा निकल भी सकते हैं लेकिन जैसा कि टैक्स प्लानिंग हमेशा आपको बताता है कि हम आपको सवालों के जवाब देते हैं आसान भाषा में आज हमने क्लबिंग के जितने नियम थे हमने सब आपको समझाने की कोशिश की क्लबिंग के तहत तक जाने की हमने कोशिश की और इसमें मेरी जो मदद की है वो रजनी शुक्ला जी ने की है हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका धन्यवाद तो ऐसे तो ही हर शनिवार को हम आपके साथ हाजिर हो जाएंगे टैक्स प्लानिंग को लेकर और जो हम आपसे हर बार कहते हैं कि अपने जो सवाल है वो आप हमेशा कॉमेंट सेक्शन में बताते रह करें जिससे हम अगली बार जब आते हैं तो उनके जवाब दिया करेंगे नहीं पॉसिबल हो पाता ना, तो हम वहीं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद